हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज पकोड़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। खास तौर से हम लोग ये रमज़ान शरीफ के महीने में बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान लिया है। एक शिमला मिर्च है, ये हमने रफली चॉप कर ली है। दो हमारे पास छोटी प्याज है, इसको भी हमने काट लिया है। थोड़ी हमारे पास ये बंद गोभी है, इसको भी काट लिया है। हरा धनिया है, इसको भी मोटा मोटा काट लिया है। तीन हमारे पास हरी मिर्च, इसको भी हमने काट लिया है। ये हमारे पास एक से डेढ़ मुट्ठी पालक था, इसको भी हमने मोटा मोटा काट लिया है। आलू हमारे पास तीन थे मीडियम साइज के, इसको भी हमने काट लिया है। इस तरह से ये देखिए, हमने थोड़ा इसको मोटा काटा है। दो कप के करीब हमने बेसन लिया है। कुछ मसाले हैं हमारे, जायके के मुताबिक हमारा नमक है। आधा चम्मच हमारे पास अजवाइन है, आधा चम्मच से थोड़े से ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर है, एक चौथाई चम्मच हमारे पास हल्दी पाउडर है, चाट मसाला है आधा चम्मच, और हींग है स्वाद के मुताबिक। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये खाना पचने में बहुत आसान रहती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सारी सब्जियां मिक्स कर लेंगे। पालक पीस में डाल देंगे हम, आलू भी डालेंगे, हरी मिर्च कटी हुई, जो मसाले हैं वो भी सभी डालेंगे। हमने सारी सब्जियां अपनी धो अच्छे से धो ली थी। जो बेसन है इसको भी डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसको मिक्स करके चम्मच की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत है तो हम बेसन और भी डालेंगे। पहले इसको मिक्स करते हैं। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथ से मिक्स करेंगे। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है हमें। मिक्स पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। इस तरह से मिलाएंगे हम इसको। ये देखिए, हमें इसमें थोड़ा बेसन कम लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा बेसन और डालेंगे। बेसन थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। देखिए, पानी बहुत ध्यान से डालना है। अगर आप पानी ज़्यादा कर लोगे तो ये बहुत पतला हो जाएगा। हम बहुत थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। पाँच मिनट के लिए हम इसको मिक्स करके रख देंगे। तब तक हम अपनी कढ़ाई में तेल गर्म करते हैं। देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। हम बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा लेके इसको इस तरह से डालेंगे। ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना है, ज़्यादा तेज़
खाने में बहुत टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं, वरना हर तरह की सब्जी बच्चे नहीं खा पाते हैं। दिन को हल्की गैस पे धीरे धीरे हमें इसको सेकना है, जिससे कि जो हमारी सब्जी और आलू है अच्छे से पक जाए। देखिए पकौड़े बहुत अच्छे से सिक रहे हैं, धीमे धीमे आंच पे हमें इसी तरह से सेकनी है। इसको हम पलट देंगे इस तरह से। बच्चों को सब्जियां डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खिलानी पड़ती हैं, वरना बच्चे हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं। कोशिश यही रहती है कि बच्चों को हरी सब्जियां खिलाई जाए। देखिए ये हमारे पकौड़े सिक चुके हैं, तो हम इनको प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है इनका, निकाल लेते हैं हम। इसी तरह से हम बाकी के अपने पकौड़े सेक लेंगे। देखिए मिक्स वेज पकौड़ियाँ हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत क्रिस्पी हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी हैं। आप इसको हरी चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।